Hello guys, welcome to my channel. I am Harshal, Cold Heart Direction. This is my Kasol vlog in Himachal Pradesh. So let's get started from the beginning of the journey. मेरी इस जर्नी की शुरुआत होती है मजनी के टीले से, जहाँ हमारी बस का बोर्डिंग स्टॉप था और वहाँ वक्त से पहले पहुँचना था ताकि हम लेट ना हो सके, लेकिन वक्त से पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बस खुद लेट थी। और फाइनली जब हमें बस मिली तो हम चलने को तैयार थे। भी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी शोर भी था, लेकिन मैंने ईयरफोन्स लगाए और गाने सुनते सुनते अपने रास्ते को इन्जॉय किया। और फिर मूर्थल पर हमारी बस रुकी रात के डिनर के लिए और सवा घंटा हम वहाँ पर रुके, जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट भी हुआ क्योंकि क्रिसमस का टाइम था और पीक पर था जब सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ वहाँ जा रहे थे और काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन रात भर हमारा सफ़र चलता रहा और फाइनली हम सुबह पहाड़ों की वादियों में थे। रात भर की नींद के बाद सुबह ये नज़ारे देखकर लगा जैसे बादल ज़मीन पर उतर आए हो। आँखों में नींद थी, सोने का मन न किया, पर कुछ बात अलग थी। यहाँ की हरियाली, पहाड़, खुशनुमा मौसम और बसे हुए घर और ना ख़त्म होने वाली ये सड़कें आपको कभी सोने ही नहीं देंगी। तो फाइनली सुबह होने के बाद थोड़ी देर बाद हमारी बस एक ढाबे पे रुकती है ब्रेकफास्ट के लिए और सभी पैसेंजर वहाँ पे रात भर के सफ़र के बाद आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए और रेडी होने के लिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होते हुए नज़र आए। और लगे हाथों मैंने भी अपनी सुबह की शुरुआत चाय के साथ की इन सुंदर पहाड़ों को देखते हुए। सब कुछ हो जाने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। खिली धूप में नज़ारों को देखने का अलग ही अनुभव था। रास्ते में पड़ रहे सारे के सारे ढाबे और चोटियों पर बने हुए सब मकान और वही अपना नॉर्मल काम करने वाले लोकल लोग, सब कुछ बहुत ही मेसमराइजिंग था। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस किस को ऐसा लगता है जब वो सफर करते हैं तो सफर चलता रहे और कभी खत्म ना हो। और फाइनली सतलुज रिवर हमको देखने को मिली, जिसका पानी शीशे जैसा साफ और आँखों में सामने एक खूबसूरत नज़ारा। पहाड़ों के बीच में यह बहती नदी, नीला आसमान, नीली नदी, हरे भरे पेड़, बहुत ही खूबसूरत। और ये ट्रैफिक सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी ये छुट्टियों का वक्त चल रहा है, क्रिसमस आने वाला है और मोस्टली कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं सारे लोग मनाली की ओर जाते दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा ट्रैफिक आपको ज़रूर मिलेगा जब आप दिसंबर और न्यू ईयर के बीच में अगर यहाँ ट्रैवल करें तो, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल है। मैंने हिमाचल प्रदेश पहले भी एक्सप्लोर किया है, लेकिन सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बिलासपुर मंडी से होते हुए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ना मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर रहा है क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इस रीजन में। और ये वाकई ही बाकी सब रीजन से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर आपको रिवर और माउंटेंस और जंगल का एक अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो बाकी दूसरी साइड्स में नहीं मिल सकता। नदी के साथ साथ चलते रहने वाले सभी रास्ते कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता
और उनके अनोखे एहसास शामिल हैं और जो कहीं नहीं मिल सकता सिवाय यहाँ और ऐसी जगहों के जो हिमाचल प्रदेश में है। कुदरत और कुदरती नज़ारे सब बेमिसाल हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इन सुंदर दिलकश नज़ारों के मजे लीजिए जब तक कि हम बुंदर ना पहुंच जाए। मैं मन ही मन ये सोच रहा था काश ये वक्त यहीं थम जाए और ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, पर हमारी मंजिल बहुत करीब थी और कुल्लू में एंटर होने के बाद हमको बुंदर से बस चेंज के लिए वहाँ कुछ देर वेट करना था ताकि लोकल बस आ सके। और फाइनली लोकल बस में हम बैठे और कसोल के लिए रेडी हो गए। तो गाइस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे हम बहुत लेट पहुँचे हैं। 12 घंटे का सफ़र को 16-17 घंटे इन लोगों ने लगा दिए बस में। तो सफ़र वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, लेकिन फाइनली हम कसोल मार्केट में हैं और लेट्स सी। सबसे पहले मुझे गेस्ट हाउस ढूंढना है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी हम कसोल आ चुके हैं और यहाँ पर मैं होम स्टे की तलाश में, देखते हैं कब और कैसे मिलेंगे। तो यहाँ का कुछ ये नज़ारा है, देवदार के पेड़। वहाँ रास्ते में मैंने ये देखा कि भेड़ों का झुंड और इनको चराते हुए चरवाहे मुझे रास्ते में मिल गए और इनकी वजह से काफ़ी जाम हो गया। और कितने प्यारे हैं देखने में। तो फाइनली गाइस आसपास लोकल्स लोगों से मुझे पूछते हुए एक होम स्टे का पता चला, वेक एंड बेक। तो मैंने उनके मालिक को कांटेक्ट किया, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला रूम अवेलेबल है और मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में वो मिल चुका है एक्चुअली। और अभी इस ट्रेल को फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ रहा हूँ जहाँ पे, और दिल ढलने के बाद यहाँ का नज़ारा आपकी आंखों के सामने, कितना प्यारा व्यू है। गाइस आप जब कभी भी यहाँ पर आओ कसोल तो इस जगह ज़रूर रहिएगा, अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा और सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिहाज से बहुत बढ़िया है। इस जगह का लोकेशन और नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तब और अब वक्त हो गया है सोने का, तो हम मिलेंगे आप कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कसोल में मेरी पहली सुबह है और आज देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक कप चाय हो जाए, उसके बाद मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने को तैयार हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। यहाँ आपको मोस्टली होम स्टेज मिल जाएंगे, बहुत सारे आसपास हर जगह। किसी भी जगह आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ठहर सकते हैं। तो आपको पता तो होगा ही कि कसोल किस चीज़ के लिए फेमस है। एक्चुअली ये फेमस है यहाँ पे रहने वाले इमिग्रेंट्स, इसराइली लोगों के लिए और यहाँ पे होने वाली रेव पार्टीज़ के लिए।
और खीरगंगा ट्रैक के लिए जो आसपास के हिडन विलेजेस को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बेस्ट टाइम यहाँ पर आने का वैसे मार्च अप्रैल में ही जून है, लेकिन मुझे अभी टाइम मिला और मैं एक बार देखना भी चाहता था कि पहाड़ों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, रिवर वॉक। और आसपास 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ से गुरुद्वारा साहिब मणिकरण भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं बाइक रेंट पे लेकर, और उससे आगे भी जो तोश नाम का प्लेस है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे नेचर पार्क कसोल है और रिवर साइड वॉक जैसे मैंने भी कहा आप वहाँ पे, और एक जंगल भी है ग्रहण की और रास्ते में पड़ता है, उस पर भी आपको मैं वापस लेकर जाऊँगा। तो फाइनली मैं अब एक दूसरे गेस्ट हाउस की तलाश में इधर उधर लोकल से भी पूछ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना सामान भी रखना है, फिर उसके बाद कसोल एक्सप्लोरेशन, रिवर साइड वॉक और फॉरेस्ट मैं ब्लॉग और शूट के लिए मैं जाऊँगा। वेक एंड बेक भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो एक प्रिसाइज लोकेशन पे नहीं था, वो इमरजेंसी बेसिस में मुझे वो लेना पड़ा और काफ़ी कंफर्टेबल था, ऐसे नहीं था, बुरा था लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन फाइनली एक गौतम गेस्ट हाउस मुझे मिला है, यहाँ पे भी चीप प्राइस अफोर्डेबल है और वैली के एकदम बीच में है और रिवर साइड पर है, इसलिए मुझे यहाँ पे रूम के लिए वेट करना पड़ा। बाकी चेकआउट होने में थोड़ा वक्त था जो पहले से वहाँ पे रुके हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा साइट सीन कर लिया जाए, क्योंकि इस गेस्ट हाउस के एकदम बगल में पार्वती रिवर बह रही है। अभी अभी मेरी नेगी जी से बात हुई थी जो यहाँ के ओनर है, उन्होंने बताया जितने भी बड़े पेबल स्टोन्स हैं ये सारे फ्लड की वजह से यहाँ पर बहकर आए थे, और उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस और ऊपर जो रोड है वो पूरा पानी में भर गया था, इसलिए अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है ताकि एक अच्छी बाउंड्री बन जाए तो फ्लड आए तो उसको रोक सके। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने रूम की ओर। तो ये है हमारा रूम और ये है डबल बेड, एंड में कॉर्नर में बाथरूम है और ये सामने बालकनी व्यू। तो गौतम गेस्ट हाउस का लोकेशन और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा, जब कभी आप यहाँ पर आओ तो मेक श्योर आप पहले कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है और ये बात मुझे खुद नेगी जी ने बोली थी, वो लकीली मुझे मिल गया, वो बात अलग है। तो फाइनली मैं रेडी था लोकल हॉटस्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए कसोल में, तो मैंने रूम में ताला लगाया एंड सबसे पहले आती है मार्केट। तो मार्केट में जैसे आप जाओगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा बहुत इजीली। तो गाइज मेरा पहला हॉटस्पॉट है नेचर पार्क कसोल और साथ में बहती हुई पार्वती नदी, और यहाँ पर आपको हर एक कदम पर छोटे मोटे आउटलेट्स खाने पीने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पार्वती नदी के किनारे आराम से बैठ के मज़े कर सकते हैं। पर यू गाइज मेक श्योर कि हम गंदगी ना फैलाएं। तो गाइज अभी हम हैं नेचर पार्क कसोल, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स हैं और अच्छा सेटअप है, ग्रीनरी है और लोग फोटोशूट भी करा सकते हैं। ओहो फाइनली पार्वती वैली और पार्वती रिवर का शोर मुझे सुनाई दे रहा है, और अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं नीचे जा सकूँ, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं से नीचे आए, और यहाँ पर मुझे एक रास्ता मिला भी है तो मैं आपको लेकर चलूँगा वहाँ से। तो गाइज जैसे आप नेचर पार्क कसोल में आओगे ना, आपको नीचे की तरफ जाना है और बहुत इजीली आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको कैसे नदी किनारे जाना है,
और जैसे कि मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे बड़े बड़े पेबल स्टोन हैं और प्लास्टिक भी यहाँ पर है और बहुत ही गंदगी लोगों ने मचाई हुई है टूरिज्म के नाम पे, ये पहाड़ों को नदियों को गंदा करने में लगे हुए। ये सच में एक हार्श रियलिटी है हर एक टूरिज्म प्लेसेस का, ना कि सिर्फ कसोल का बल्कि मनाली आप कहीं पर भी चले जाओ, प्लीज़ डू नॉट लिटर। जैसा कि आप पर्वत नदी को देख रहे हो, ये नदी मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लेंथ 80 किलोमीटर है और ये जाके बुंदर में बह रही ब्यास नदी में जाके मिलती है और ब्यास नदी इवेंचुअली सतलुज रिवर में जाके मिलती है। मैंने देखा वहाँ पे लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। ट्रैकिंग ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, एंट्री लेवल ट्रैक जो शुरुआत में और एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं दोनों के लिए बहुत ही ईजी है। और आप जब भी कसोल आओ तो गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और तोश विलेज जाना ना भूलिएगा। तो फाइनली कुछ समय बिताने के बाद मैं यहाँ से निकल गया अपनी मंजिल की ओर, जंगल को देख रहे हैं। तो गाइस ये है कसोल की मेन मार्केट और यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं। प्राइस डिफरेंस हो सकता है लेकिन आपको किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं होगी, आप जो चाहे खरीद सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइज आप वो सीधा रास्ता देख सकते हो, ये पार्किंग मैंने क्रॉस किया है और ये सीधा रास्ता जाता है ग्रहण की ओर, जो कि एक अलग से जगह है। आपको वहाँ पे कैंपिंग एरियाज भी मिलेंगे और साथ साथ में जंगल का एक्सपीरियंस भी। तो गाइस आपकी आंखों के सामने ठीक गेटवे है ग्रहण ग्राम की ओर जाने वाले रास्ते का। बाकी मैं आपको पहले ग्रहण ग्राम ट्रैक के बारे में बता दूं, ये ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो कसोल से शुरू होता है और किसी भी लोकल से आप पूछोगे तो आपको इमीडिएटली बहुत आराम से बता देगा कहाँ किस तरफ जाना है। और यहाँ जहाँ मैं थोड़ी दूर तक चलूँगा भी, और ये ट्रैकर्स को एक घने जंगलों और आकर्षक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है ये ट्रैक, और जो इसे ट्रैकर्स की एक पसंदीदा जगह भी बनाता है। अगर आप पहली बार आओ तो यहाँ ज़रूर ट्रैक के लिए आना, प्राकृतिक सुंदरता और अनुभव आपको जी भर के मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, कसोल की यात्रा के लिए सबसे अच्छा टाइम मार्च से जून के बीच में है, लेकिन उस समय आपको मच्छरों से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जंगल है और बहती नदी है तो हरियाली बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर्दियों में इस बात की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय जब मैं आया हूँ तो मुझे शाम के वक्त भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे आसपास मच्छर है और मुझे बाइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बर्फ़ से ढके हिमालय के खूबसूरत पहाड़ और उनके ब्रेथटेकिंग व्यूज उन सभी यात्रियों के लिए इस जगह को स्वर्ग बनाती है जो ऑफ पीट और एनरिचिंग एक्सपीरियंस की तलाश में है। चाहे आप यहाँ पे रोमांच की तलाश में आए हो या फिर शांति सुकून देने वाली जगह की तलाश में, कसोल में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। पर नशा करने वाले और उसको बेचने वालों से आप बच के रहिएगा क्योंकि वो आपको हर जगह मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के मौसम के बारे में, तो कसोल में पूरे साल अलग अलग वेदर कंडीशंस में भी टूरिज्म बना रहता है और टूरिस्ट आते जाते रहते हैं क्योंकि रिमोट एरिया नहीं है जहाँ वेदर कंडीशंस की वजह से रास्ता बंद कर दिया जाए या सप्लाई चेन में गड़बड़ी हो। तो ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है एक्सप्लोरेशन के लिए और थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है हमेशा।
मार्च से जून, स्प्रिंग और 15 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर और नदी में तैरने का सबसे अच्छा मौका और मौसम है वो। और जुलाई से सितंबर मानसून का महीना होता है, उसमें बारिश, हरियाली और झरने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और मच्छरों से बचकर रहिएगा। और अक्टूबर से लेकर फरवरी तक सर्दी का मौसम और बर्फ की चादर देखने को आपको मिलेगी, और टेम्परेचर माइनस में भी जाता है रात को। तो आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना ट्रिप अपनी फैमिलीज और अपने दोस्तों के साथ प्लान कर सकते हैं। तो सेफ्टी फॉर वुमेन एंड फैमिलीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जगह काफ़ी सेफ एंड साउंड है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल आपको ज़रूर रखना है जब आप यहाँ पर आओ फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ में। तो रात में आपको रोशनी वाले इलाकों में ज़्यादा रहना है जहाँ पर आबादी लोगों की ज़्यादा हो, और अकेले ट्रैक करने तो बिल्कुल नहीं जाना। जितना हो सके ग्रुप में आपको ट्रैवल करना है, वो एक बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। और रात में जंगल जैसे प्लेस को कभी एक्सप्लोर ना करें अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेफ्टी सिर्फ आपके हाथों में है। और कसूर से नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी 4 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपको पहुंचने में 10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि मणिकरण में है। तो कुछ देर जंगल में और ग्रहग्राम की ओर ट्रैक करने के बाद मैं वापस चल पड़ा अपने गेस्ट हाउस की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आना और एक्सपीरियंस शेयर करना, ये ब्लॉग बनाना, ये मेरी शुरुआत हो सकती है। और ये परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता है, आप खुद भी नहीं। और हाँ, अभी जा कर रहे हो, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। एक मैसेज जो आपको देना है, अंतर देखते रहिए। तो ऐसे ही गाने में सही कहा गया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। बस कल ही यहाँ आया था, मतलब यस्टरडे, और कल ही यहाँ से जाना भी है, मतलब टुमारो। इन सेंस नथिंग इज परमानेंट और फॉर एवर, ना ये जिंदगी और ना ये सफर, लेकिन अपने रास्ते को एंजॉय करना सीखना चाहिए। जिंदगी हो या फिर रास्ते जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएं, बिकॉज फॉर मी जर्नी इज मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन। तो गाइज, अंत में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हर सफर को खत्म करना जरूरी है, वरना एक नई शुरुआत कैसे होगी दोस्तों। Life takes time from under your fingers, like snowfall takes the life of flowers in winter. We're all just passing by, too quickly to linger. So scared we're gonna die before we begin to get done all the left undones. There's still so much I'm running from. I felt a start to fall in love, but I didn't see it through. Oh, what did I do? Tried to follow my heart far from you. Oh, what did I do? 'Cause now I'm falling apart far from you. You told me to fly away. You don't wanna weigh
weigh me down, but I'm drowning in all the space. My wings feel smaller now. Oh, what did I do? I lay awake most nights, painting a picture of what could be in my mind if I didn't leave to get done all the left undone. There's still so much I'm running from. I felt a start to fall in love, but I didn't see it through. Oh, what did I do? Tried to follow my heart, follow my heart far from you. Oh, what did I do? 'Cause now I'm falling apart far from you. You told me to fly away, you don't wanna weigh me down, but I'm drowning in all the space. Smaller now.